शिवपुरी के चक्रामपुर नरसंहार में निर्दोष लोगों पर दर्ज किए गए केस की हो निष्पक्ष जांच। कुशवाहा समाज ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया, एसपी को सौंपा ज्ञापन। शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चक्रामपुर में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक पक्ष के चार लोगों की हत्या के मामले में आज जिले भर से एसपी ऑफिस पहुंचे कुशवाहा समाज के लोगों ने बेगुनाह लोगों पर दर्ज हत्या की केस की निष्पक्ष जांच की मांग की। समाज के लोगों ने बताया कि चक्रामपुर में दो पक्षों में हुए विवाद के चलते चार लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी, किंतु इस घटना में कई निर्दोष लोगों के ऊपर भी गंभीर मुकदमे लगा दिए गए हैं। हम भी चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष हैं उन्हें किसी भी दबाव में झूठा ना फंसाया जाए। उदाहरण के लिए 75 और 80 वर्ष तक के बुजुर्गों तक पर हत्या करने जैसे गंभीर अपराध दर्ज कर लिए गए हैं। इसी प्रकार जिन लोगों ने फोन पर पुलिस को सूचना दी उनके नाम भी अपराध पंजीकरण कर लिए गए हैं। इसी प्रकार पूर्व में 17 लोगों के नाम दर्ज किए गए थे, उन 17 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब पता चल रहा है कि 14 लोगों के नाम और शामिल कर लिए गए हैं। इन कार्यवाहियों से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पुलिस निष्पक्ष ना करते हुए एक तरफा कार्यवाही या राजनीतिक दबाव के तहत एक पूरी समाज या पूरे गाँव को एक साजिश के तहत आरोपी बनाने का काम कर रही है, जो कि अलोकतांत्रिक एवं अन्याय है। हम आज आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस मामले की निष्पक्ष जांच कर जो वास्तविक दोषी है उनके नाम ही शामिल किया जाए तथा जो निर्दोष हैं उनके नाम एफआईआर से हटाए जाएं एवं जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। हाँ बोलिए सर, मेरा नाम सुग्रीव सिंह कुशवाहा, मैं ग्वालियर से आया हूँ और ये घटना है चक्रामपुर की, वीर सिंह कुशवाहा और उनका पुत्र दिनेश कुशवाहा के घर की। ये घटना के पहले 3 माह पहले जब गणेश जी विसर्जन होते हैं उस समय की लड़ाई चली जा रही थी। कुशवाहा बिरादरी के लोगों ने गणेश जी बिठा ले अपने गांव में और विसर्जन करने के लिए जब ये जा रहे थे तो जो मुन्ना भगड़िया है जो आज मृत हो गए हैं उनके लड़के और उनके परिवार जनों ने और उनके सहयोगियों ने ये कहकर गणेश जी को रोका कि तुम ये डीजे नहीं बजाओगे और गणेश जी विसर्जन नहीं करोगे। तो इस बात को लेकर विवाद हुआ। जब ये लोग कुशवाहा बिरादरी के लोग नहीं माने तो मुन्ना भगड़िया का जो लड़का है उसने उनमें गोली चलाई, गोली दिनेश वीर सिंह कुशवाहा जो वहां के किसान है उसके हाथ में लगी, उसकी रिपोर्ट यहां दर्ज है। उसके बाद में 307 जब अपराधी के ऊपर 307 कायम हो जाती है तो वो खुले में घूमने का कोई उसको अधिकार नहीं है, लेकिन वो खुले में घूमता रहा, उसके मनोबल बढ़ा। तो चुनाव ठीक 3 माह पहले, 3 माह बाद चुनाव के ठीक शाम के समय वो फिर आए 10-12 लोग और उसमें हथियार लेकर गाड़ी में जब आग लगी ना गाड़ी में, वो गाड़ी जलने के बाद में जब तहकीकात हुई उसमें हथियार थे, आचार संहिता में हथियार कहाँ से आ गए। जब वो हथियार लेकर आए और बोले कि तुम्हें राजीनामा करना होगा, जब ये बोले वीर सिंह वगैरह कि हम न्याय पे भरोसा करते हैं, जो न्याय करेगी न्यायपालिका करेगी वो हम मानेंगे, लेकिन उन्होंने उस समय भी गोली मारी। इस बार पूरा घटनाक्रम हो गया, आज जो यहाँ पर आज हम ये किन मांगों को लेकर इस मांगों को लेकर आए हैं, 307 में जो अपराधी फरार हैं, जो दिनेश जिसमें फरियादी है उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन जिन लोगों के हाथ से जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है बलबा हुआ उसमें हमने 17 लोग अरेस्ट कर दिए, जिसमें सरपंच ने प्रथम बार सूचना दी थी, जो सूरज सिंह है उन्होंने सूचना दी थी। आज वो व्यक्ति आरोपी है, उसके सामने 14 लोग निर्दोष लोग और उसने एक 60 साल 75 साल का बुजुर्ग आरोपी बना दिया है पुलिस ने, 14 लोगों को और गिरफ्तार करना चाहती है पुलिस। और इस बात को लेकर हम यहाँ आए एसपी महोदय, अब ये अन्याय नहीं होगा क्योंकि पहले के 307 के आरोपी सरेआम घूम रहे हैं, हमने 17 लोग हाजिर करवा दिए, उसके बाद में आपने 14 लोग फिर आरोपी बना दिए, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो लोग सरेआम घूम रहे हैं 307 के आरोपी, हम समझते हैं कि हम घटना घटी है, 4 लोग आपके बारे हमें भी दुख है, लेकिन 307 का आरोपी कोई भी हो उसको अरेस्ट होना चाहिए। जो लोग क्या कर रहे हैं पुलिस ने कुछ आश्वासन नहीं दिया, वो लोग जा रहे हैं घरों पे अभी 307 के आरोपी गुंडागर्दी कर रहे हैं। अभी साहब ने बोला है कि जो 14 लोग बाहर हैं उनको हम अरेस्ट नहीं करेंगे, मैंने बोला है कि सर अरेस्ट नहीं करेंगे वो बात सही है, लेकिन 14 लोगों की निष्पक्ष जांच की जाए, आपकी कर्म से न्याय मिले, आप न्याय के लिए बैठे हैं, आप 14 लोगों को जब तक अरेस्ट नहीं करें जब तक निष्पक्ष जांच नहीं की जाए। और मैं दावे के साथ में कहता हूं कि अगर कोई आरोपी है उसको हम अरेस्ट कराएंगे, जेल भिजवाएंगे, लेकिन निर्दोष किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया जेल भिजा दिया गया तो आंदोलन तीव्र होगा, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 14 लोगों में से किसी को निष्पक्ष रूप से जांच एसडीओपी के आदेश कर दिए गए हैं, प्रति हमने ले ली गई है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो साहब ने यहाँ कहा है एसपी महोदय ने कि जब तक जांच नहीं हो जाती जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे शांति बनी रहेगी, जैसे ही अन्याय हुआ तो आंदोलन होगा, ये बात हम भी कह रहे हैं। एसपी साहब की बात का हम समर्थन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपने जो कहा है वो करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन
निर्दोष लोगों का अगर किसी को भी अरेस्ट किया गया और जेल में डाला गया तो हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हम आंदोलन करेंगे। हमने अभी यहाँ विधायक नहीं बुलाया, हमारे भी मंत्री है, हमारे भी लोग भोपाल में बैठे हैं, अन्याय के हम साथ नहीं है। और अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो हम अत्याचार सहने वाले नहीं है, ये बात भी मैं कह जा रहा हूँ। हम पुलिस के साथ हैं, बाबा साहब के अन्यायी है, कानून के अनुसार हम पुलिस का भी सहयोग करेंगे, लेकिन निर्दोष लोग अब जेल नहीं जाना चाहिए। एएसपी साहब को मैं यहाँ गेट पर कह के जा रहा हूँ, आपके साथ हमें धन्यवाद। मोड़ा मोड़ी ट्यूशन को तो अभी भी मोड़ते पत्थर फेंकती है। हाँ, ट्यूशन नहीं जाते, ट्यूशन नहीं निकलने देते, स्कूल नहीं जाने देते, पेपर नहीं देते।